पकी बुआ। इस समय कौन आ गया? वो बुआ जी, आप? नमस्ते बुआ जी। हाँ बुआ जी, इधर। क्या तैर के आए हो सात समंदर? ना नहीं। तो क्या बंद थे किसी बक्से के अंदर? नहीं नहीं बुआ जी। अगर इनमें से कुछ नहीं था तो दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? आप मेरे पापा की बुआ जरूर है, लेकिन आप मेरे पापा को ऐसे मार नहीं सकती। तुम कौन? मैं टीटू। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, जब मैं बोलती हूँ तो सब सुनते हैं। कान खोल के सुन लो, आज के बाद इस घर में नो बाहर का खाना, नो जंक फूड, नो टीवी, नो मोबाइल, समझे? कहाँ है बहू? आपके लिए चाय बना रही होगी, मैं अभी बुलाता हूँ। चलो बुआ जी बुला रही हैं। मैं नहीं जाऊंगी बहू। आई बुआ जी, ये लीजिए चाय। और बुआ जी, आपका सफर कैसा रहा? तुम लोगों ने चीनी की फैक्ट्री लगाई है क्या? नहीं तो? अच्छा, फिर चीनी सस्ती हो गई होगी। नहीं नहीं, चीनी तो बहुत महंगी है। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो फिर चाय में इतनी चीनी क्यों है? मुझे डायबिटीज देना चाहती हो? बुआ जी वो चुप। अब से खाना बिल्कुल सही तरीके से बनाना। मुझे तेल मसाले वसाले बिल्कुल पसंद नहीं। मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, तुम्हें पता है ना? टीटू मेरे भाई, ये पापा की बुआ तो बहुत डेंजरस है। इन्होंने हमारे मम्मी की बोलती बंद करवा दी। टीटू द ग्रेट की मम्मी किसी से नहीं डरती, वो तो बस रिस्पेक्ट कर रही है। चलो चलकर टीवी देखते हैं। मैंने कहा था ना, आज से नो टीवी। भैया अब पता चला मम्मी दादी बुआ से इतना क्यों डरती है। जाओ जाकर अपना रूम ठीक करो, बुआ जी तुम्हारे कमरे में रहेंगी और हम बाहर ड्राइंग रूम में। अरे भूकंप आ गया क्या? रात के 2:30 बजे? अब तक दादी बुआ ने हमारा टीवी, गेम और मोबाइल बंद करवाया था, अब योगा के वजह से सोना भी बंद करवाएंगे क्या? गोलू भैया कहते हैं सोए हुए शेर को कभी जगाना नहीं चाहिए, और ऐसे डरा कर तो कभी भी नहीं। अब देखिए आपका भाई टीटू क्या करता है। हर जवाब का सवाल हूँ, मैं चाहता बवाल हूँ। अरे मेरा वो ऊन का गोला किधर गया? अरे टीटू, मेरे होते हुए तुम भला क्यों उठाओगे? नहीं भैया मुझे दीजिए। नहीं टीटू, मैं देता हूँ ना। पकड़ो उसको। अरे भैया छोड़ो, ये पकड़ लिया। अरे गया। तुम क्या कर रहे हो? ये लो टीटू, मुझे दे दो। अरे तुम लोग मेरी मदद कर रहे हो कि मेरा और काम बिगाड़ रहे हो? भैया पकड़ो मुझे, पकड़ो पकड़ो। सॉरी दादी बुआ। चलो भैया। दादी बुआ। तुम देख नहीं सकते मैं वॉक कर रही हूँ, ऐसे मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? अब क्या करूँ दादी बुआ, घर के अंदर तो स्केटिंग कर नहीं सकता।
बस बहुत हो गया, अब मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। सच में? मेरा मतलब है कि सच बताइए क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन मैं इस घर में परेशान हो चुकी हूँ। अरे इन्हें अचानक क्या हो गया? देखा गोलू भैया, टीटू जो कहता है वो करके रहता है। अब दादी बुआ अपने घर में फोन करके कहेंगी कि मेरी टिकट करवा दो। हेलो, मेरी आज शाम की टिकट करवा दो, मैं वापस आ रही हूँ। क्या हुआ, तुम तो महीने भर के लिए गई थी, यहाँ तो दो दिन में ही वापस आ रही हो। मैं यहाँ बोर हो गई हूँ। यहाँ ओल्ड एज होम में क्या मन लगेगा तुम्हारा, यहाँ तो हमारा कोई नहीं। ओल्ड एज होम? अच्छा, तो ये रीजन है कि दादी बुआ हमेशा गुस्से में रहती हैं, क्योंकि वो हमेशा लोनली फील करती हैं। बुआ जी जा रही है। तुम लोगों को कोई काम नहीं आता, ऐसे घर में मैं रहना ही नहीं चाहती। लेकिन आप कैसे जाएंगी, सारी रोड बंद हो गई है, ट्रेन बस कैब कुछ नहीं मिल रही। ऐसा क्या हो गया? आप लोगों ने वेदर फोरकास्ट नहीं देखा? तूफान आने वाला है, तूफान। मैं अभी देखता हूँ। टीवी पर तो कुछ नहीं आ रहा। तूफान आ गया लगता है, जल्दी खिड़की दरवाजे बंद कीजिए। अब ऐसे मौसम में आप कहाँ जाएंगी दादी बुआ? अच्छा खासा मैं वापस जा रही थी, इस तूफान ने मुझे रोक लिया। आसमान तो बिल्कुल साफ है। वाह, आपका स्वेटर बन गया, क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वाह, ओ ये क्या कर दिया? ये स्वेटर लगता है टीटू के घर से गिरा है। तुमने स्वेटर नीचे क्यों फेंका? सॉरी दादी बुआ, गलती से गिर गया। इससे तो अच्छा था कि मैं तूफान में ही फंस जाती। अरे वाह, कितना सुंदर स्वेटर है, चलो जाकर वापस करते हैं। बुआ जी, ये स्वेटर आपने बुना है, हमें भी सिखा दीजिए। मैं क्यों सिखाऊं, मेरे पास टाइम नहीं है। चलो शायद बुआ जी को बुरा लग गया। अरे दादी बुआ, सिखा दीजिए ना, सिखाने से ज्ञान बढ़ता है और प्यार भी। ठीक है, आ जाओ। हाँ? वाह टीटू, दादी बुआ तो सिखाने को राजी हो गई, इससे दादी बुआ को अकेलापन महसूस नहीं होगा। हाँ भैया, हाँ? मेरे पास एक और प्लान है। वाह, मेरा वीडियो तो बन गया, अब ये दादी बुआ का वीडियो इंटरनेट पर डाल देंगे। अरे बहू, आजकल खाने में इतना मजा नहीं आ रहा है, लाओ मैं पकाती हूँ। हाँ? बुआ जी, आप खाना बनाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वाह बुआ जी, कितना अच्छे से कर रही है। वाओ दादी बुआ, क्या खुशबू है खाने की। भैया एक कुकिंग वीडियो हो जाए। वाह क्या खुशबू है, ये तो महेश जी के घर से आ रही है। वाह बुआ जी, खुशबू तो बड़ी कमाल की है, हम भी खाना टेस्ट कर लें। हाँ हाँ, जरूर आइए ना, बैठिए ना सब। वाओ दादी बुआ, क्या टेस्टी खाना बनाया है आपने, और टेस्टी तो होना ही था, इसमें आपका प्यार जो मिला है। हाँ हाँ, आइए ना, बैठिए ना सब, खाइए। वाह बुआ जी का जवाब ही। बुआ जी ग्रेट हो जी। वाह
बुआ जी क्या खाना पकाती है? चाहे योगा हो, बुनाई हो या खाना, दादी का फिर लौट कर आया जमाना। आप इतनी फेमस हो गई हैं, आपको कैसा लग रहा है? तुम्हारी आंखों में कचरा गया है। नहीं तो? रोशनी कम हो गई है। नहीं, काला चश्मा लगा रखा है। अरे दिखाई नहीं देता, मैं कितनी खुश हूँ। मुझे मेरे इतने सारे बच्चों का प्यार मिला है और ये सब हो पाया है टीटू की वजह से। हाँ, टीटू मेरे भाई। अरे टीटू ने तो मुझे एहसास दिलाया है कि मेरे अंदर अभी भी कोई बात है, अभी भी लोग मुझे प्यार कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि मैं खुद से प्यार करूं। वाह, क्या बात है दादी बुआ, इसी बात पर हो जाए पार्टी। टीटू फिर से नहीं। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ।